धनबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो अपनी जीत को लेकर लगातार जनसंपर्क जनसभा कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान और कार्यक्रम के दौरान बेहद उत्साहित और स्वर में आक्रामकता भी है। इस कार्यक्रम के दौरान ढुल्लू महतो अपने ही सांसद और विधायक की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिए हैं, जिसकी चर्चा पूरे कोयलांचल में हो रही है। वहीं दूसरे एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी अमर रहे के नारे भी लगा दिए हैं। धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए कुछ ज्यादा ही बोल गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मोदी के बाद सिर्फ ढुल्लू है। उन्होंने धनबाद में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रणधीर वर्मा चौक पर मैंने एसएसपी को चोर और डकैत बोला है। हमने यह भी कहा गोली और बम चलाने वाले सभी क्रिमिनल एसएसपी के संपर्क में हैं। उस वक्त प्रेस वालों ने हमसे पूछा कि और भी विधायक और सांसद हैं, वह क्यों नहीं बोल रहे हैं। ढुल्लू ने कहा कि प्रेस वालों को जवाब देते हुए हमने कहा कि दूसरे विधायक और सांसद इसलिए नहीं बोलते हैं कि या तो उन्हें मिलता है या फिर वह लोग डरते हैं। ढुल्लू महतो न लेता है और न कभी किसी से डरता है, कभी डरा है और न कभी डरेगा। लोगों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कमल फूल छाप को मत भूलिए, मात्र एक है मोदी जी और यहाँ है ढुल्लू महतो। इसके साथ ही अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने गिरिडीह आजसू सांसद सीपी चौधरी अमर रहे के नारे लगा दिए, हालांकि बाद में उन्होंने जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं इस मामले पर धनबाद बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने कहा कि मैं उस वीडियो को सुना हूं। ढुल्लू ने कहा है कि सांसद और विधायक लेते हैं या डरते हैं। राज सिन्हा ने कहा कि यदि हम क्रिमिनल से पैसा लेते हैं यह बात अगर साबित कर देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। विधायक राज सिन्हा चुनौती भी दी है। वहीं आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि यह टंग स्लिप है, जानबूझकर नहीं बोला है। कल हमें भी किसी ने वीडियो भेजा, हम तो उस समय हमने रिएक्ट भी किया है कि मैं कोयला चोर से या क्रिमिनल से पैसा लेता हूँ। उन्होंने हम सुने उनके वीडियो को कहीं पे, उन्होंने कहा है भाषण में कि यहाँ के सांसद और विधायक, मैंने उन्होंने कहा है कि एसपी को मैं गाली देता हूँ, तो मुझसे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि और सांसद विधायक क्यों नहीं बोलते हैं, तो या तो वो डरते हैं या लेते हैं, हाँ। या उनका लाइन था। मैंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि हम क्रिमिनल से पैसा लेते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, यही बात मैंने कहा, और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब कहाँ है, कैसे बोले, क्या बोले, मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन अगर कोई के किसी से मन में अगर यह भ्रम है कि कोई क्रिमिनल से हम पैसा लेते हैं तो वो साबित करे और मैं राजनीति से संन्यास, मैंने खुली चुनौती दिया है। तो टंग स्लिप कहीं पर नहीं होता, अभी मेरा ही टंग स्लिप हो गया 1424 बोल दिया एक बार नहीं, तीन बार नहीं, तीन बार नहीं होता। टंग स्लिप कभी किसी से होता नहीं।